आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। यूपी के फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा के ओंग थाना क्षेत्र में गंगा नदी और पांडू नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों का बुधवार शाम जिलाधिकारी फतेहपुर श्रुति शर्मा ने पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के साथ निरीक्षण किया। मौके पर माधतों से हकीकत जानी है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के पहुंचते ही बिंद की फॉर्म गाँव के बच्चे एकत्रित हो गए। बच्चों को देखकर जिलाधिकारी का मन द्रवित हो गया। बच्चों से पूछा, स्कूल पढ़ने जाते हो? बच्चों ने बेबाकी से नहीं में जवाब दिया। बच्चों से तैराकी के विषय में जाना तो बच्चों ने उत्तर हाँ में दिया, लेकिन बाढ़ के समय बच्चों को तैराकी न करने को जिलाधिकारी ने समझाया। जिलाधिकारी ने बच्चों को दुलराया, स्कूल जाने के लिए समझाया और सभी बच्चों को बिस्कुट खाने के लिए दिया। आपका क्या नाम है, क्या समस्या है यहाँ की? हमारा नाम प्रेम कुमार है सर। ये गांव बंकी फार्म है, ये पांडो नदी है। ये जब जब बराबर में हो जाती है तो कटान नहीं होती, और जब घटती बढ़ती रहती है तब कटान ज़्यादा होती है। इस समय क्या है? इस समय कटान पे है, पानी भी बढ़ा है। पानी भी बढ़ा है। गांव से पानी कितनी दूर है? गांव से पानी लगभग 10 मीटर दूर है। पानी बढ़ रहा है घट रहा है? पानी अभी तो बाढ़ में है। अगर ऐसे बढ़ेगा तो क्या गांव प्रभावित हो सकता है? सर क्यों नहीं प्रभावित होगा, जब बाढ़ आएगी तो प्रभावित होगा ही होगा। ये कौन सा गांव है? ये बिनकी फार्म गांव है सर। इसका गांव को ग्राम सभा कौन सी है? अभयपुर। थाना कौन सा है आपका? थाना आओ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।